हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है, किस तरह से हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। हम जो कुछ भी है ट्राई स्क्वायर के बारे में सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा ट्राई स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम गुनिया, हिंदी में गुनिया भी बोलते हैं। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। इसका सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, एक्चुअल में ये होता क्या है। कई बार कन्फ्यूजन होती है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक बार सही से बताना चाहूँगा कि जो ट्राई स्क्वायर है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये हमारी किसी भी कंपोनेंट्स को मेज़र नहीं करता, ये सिर्फ चेक करता है। तो ये एक हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। चेकिंग के लिए जैसे मैं बताना चाहूँगा, आप इससे सिर्फ 90 डिग्री चेक करते हैं, आपको ये नहीं बताता ये 90 डिग्री में कितना कम है कितना ज़्यादा है। इसका मतलब इट मींस ये है कि ये 90 डिग्री आपको चेक करता है, फ्लैटनेस को चेक करता है, अप डाउन कितना भी है ये बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा आपको, लेकिन ये नहीं बताता कि ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम इससे चेक करते हैं 90 डिग्री किसी भी जॉब को, 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हैं और उसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं हम इस विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो दोस्तों, ट्राई स्क्वायर हमेशा याद रखना, ये हमारा एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके आगे इसके बारे में, इसके में जो क्या क्या हमारा ये जो पार्ट्स हैं हमारे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें। आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक होता है इसका, आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टॉक है, स्टॉक के साथ ये एक ब्लेड लगा होता है इसमें। ये जो स्टॉक है हमारा डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, कास्ट आयरन के होता है हमारा, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या इस तरह से माइल्ड स्टील के भी किस ट्राई स्क्वायर्स में होता है। तो उसके बाद ये हमारा आगे देखेंगे यहाँ पर ये ब्लेड, ब्लेड के बाद यहाँ पर देखेंगे एक स्लॉट कटा हुआ होता है, इसको बर स्लॉट बोलते हैं, जो कि कई बार हम जब चेक करते हैं तो जो बर्स बन जाती हैं फाइलिंग करके जो बनेगी वो इसमें फिट हो जाती है और उसके बाद हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। इसका जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री पे, इसको हमने जो इसके साथ इस स्टॉक के साथ इस ब्लेड को 90 डिग्री पे जोड़ा हुआ होता है, इसी के साथ ही हमारा बिल्कुल 90 डिग्री आपको चेक करेगा और फ्लैटनेस को चेक करता है ट्राई स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके जो हमारा ये ट्राई स्क्वायर है जो कितने टाइप्स के होते हैं। आप देखेंगे हमारा जो इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर है जो हम अपनी वर्कशॉप में यूज़ करते हैं ट्राई स्क्वायर को, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर हम अपनी फिटर या और भी जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप है उसमें हम ये इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके साइज़ के बारे में, जो इसका साइज़ है वो जो मैक्सिमम साइज़ है इसका, इसका अगर हम बात करें इसके जो ब्लेड है इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो 1.5 mm तक मैक्सिमम थिकनेस इसकी ब्लेड की थिकनेस रहती है। उसके बाद जो ये इसकी जो इसकी चौड़ाई है, इसकी ब्रेथ है इसके ब्लेड की, वो मैक्सिमम रहती है हमारी 30-50 mm तक इसकी चौड़ाई रहती है। और उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू लेंथ की बात करें, जो हमारा ट्राई स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू लेंथ हमें जो मिलता है वो 100 mm से 300 mm तक मिलता है, आपको 300 mm तक की लेंथ में ट्राई स्क्वायर मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 100 टू 150 mm तक की ट्राई स्क्वायर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा इसका ब्लेड्स के बारे में और ये जो पूरा इसका साइज़ वगैरह जो किस तरह से आता है। इसके बाद बात करते हैं ये जो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बात करें, तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ट्राई स्क्वायर हमें तीन ग्रेड्स में आते हैं, ग्रेड्स में आते हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के हमारे जो ट्राई स्क्वायर हैं वो आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो हम जो ये ग्रेड्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ए और बी ग्रेड के जो ट्राई स्क्वायर्स होते हैं उनको हम इंस्पेक्शंस या टूल रूम्स वगैरह में, इन ज़्यादातर ए और बी ग्रेड के जो ट्राई स्क्वायर होते हैं उनका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बाकी के जो सी ग्रेड के हैं उनको नॉर्मली हम अपनी वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे साथ जो सिंपल है, जैसे एक ट्राई स्क्वायर सिंपल है, उसके साथ यहाँ पर ये देखिए इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, इसमें आपको देखेंगे ग्रेजुएशंस कटी हैं, नीचे की साइड में इसमें इंचज में ग्रेजुएशंस हैं और ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में ये ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं। तो इससे आप इससे कोई डायरेक्ट मेजरमेंट भी, कोई अगर मेजरमेंट लेना है तो वो भी आप इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे अब सबसे पहले अच्छी बात बात करते हैं हम इसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं। मैंने जैसे बताया कि चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग नहीं करता, ये 90 डिग्री आपका चेक करके बताएगा। चेकिंग और मेजरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, चेकिंग अलग चीज़ है, मेजरिंग अलग चीज़ है। मेजरिंग में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है किसी चीज़ की, और चेकिंग में हमारा आंसर यस और नो में रहता है कि हमारा जो
हम ये जो आपको जो चेक कर रहे हैं वो कितना है। तो यस, ये इसका मतलब हम इसमें जैसे आपको चेक करना है 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री इसको आप देखेंगे, हम यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ से इसके जो एक साइड है वन साइड इसके स्टॉक के साथ यहाँ टच करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से बिल्कुल टच करना होता है और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पूरा ये हमारा जो इसका एंगल बना है ये बिल्कुल 90 डिग्री है या नहीं है। तो इस तरह से आप इस किसी भी जॉब का 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर आपको ये फ्लैटनेस चेक करनी है, आपको इसकी फ्लैटनेस चेक करनी है, तो आप इस तरह से इसकी फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। तो ये काम है हमारे इस ट्राई स्क्वायर का, 90 डिग्री लाइंस लगानी है, 90 डिग्री अगर आपको मार्किंग करनी है या कुछ भी है 90 डिग्री पर करना है फ्लैटनेस, तो इस तरह से हम इस ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्राई स्क्वायर, कई बार हम यूज़ करते करते ट्राई स्क्वायर्स में हमारे एरर आ जाते हैं, वो ट्राई स्क्वायर ख़राब हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्राई स्क्वायर ट्रू है या फिर रॉन्ग है। तो उसके लिए हमारा मेथड होता है, हमें ट्राई स्क्वायर की चेक कर लेना चाहिए हमें यूज़ करने से पहले कि ट्राई स्क्वायर जो हमारा है वो ट्रू है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों एक मेथड होता है ट्राई स्क्वायर का, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको जहाँ पर ये अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये जो प्लेट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कास्ट आयरन की बनी हुई है, सरफेस प्लेट है हमारी। कभी भी हम इसकी एक्यूरेसी या कोई भी मेजरमेंट वगैरह हम लेना चाहते हैं तो हमेशा हम इसे सरफेस प्लेट पे ही लेते हैं। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में आती हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट है, ग्रेनाइट की आती है और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमारी ग्रेड्स में सरफेस प्लेट्स आती हैं। तो आपको अगर इसका साइज़ चेक करना है कि ये जो हमारा चेक करना है कि ट्रू है या रॉन्ग है, तो उसके लिए एक मेथड होता है, आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों ये जो ट्राई स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारी जो सरफेस प्लेट मैंने बताया है, सरफेस प्लेट है हमारी, तो सरफेस प्लेट के साथ हम इस तरह से ट्राई स्क्वायर को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री रखेंगे इसको, और एक यहाँ पेन या मार्कर यहाँ पर इसके साथ आप पेज लगा सकते हो कोई या कुछ रख सकते हो, उसके साथ यहाँ पर एक लाइन ऐसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन हमने पूरी ड्रॉ की है। उसके साथ सेम अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हम इसके साथ इसको सेम इस तरह से अपोजिट इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद फिर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन मैंने यहाँ से पलटने के बाद भी ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे दोनों लाइंस मेरी एक लाइंस के ऊपर ही लाइन आई है। एग्जांपल अगर आपको एक नहीं चेक करना तो हम यहाँ से एक तरह से एक थोड़ी डिस्टेंस में अपोजिट साइड पलट के हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी देखेंगे जो हम अपोजिट साइड हमने जो पलट के किया, तो देखिए आप दोनों लाइंस हैं जो आप ये दोनों लाइंस देख रहे हैं, दोनों की दोनों एक लाइंस के दूसरी लाइंस के पैरेलल है। इट मींस हमारा जो ये ट्राई स्क्वायर है वो ट्रू है। अगर आपकी लाइन जैसे पैरेलल, सपोज दैट कुछ आपकी लाइन ये पैरेलल नहीं होती, कुछ टेढ़ी मेढ़ी या कुछ इस तरह से लाइन आती, तो आपका इसका मतलब है आपका ये ट्राई स्क्वायर है वो ट्रू नहीं है। सेम एक मैं दूसरा ट्राई स्क्वायर है इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं पहले एक लाइन खींचता हूँ इस तरह से ऐसे, और उसके साथ इसको पलटता हूँ मैं, पलटने के बाद एक और लाइन खींचता हूँ। देखिए अब मैं आपको एक एरर वाला दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इसके साथ एक और लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें आपने जो लाइन देखेंगे, ये जो लाइन है दोनों, जब हमने सबसे पहले इसको यहाँ से किया और उसके बाद पलट के दूसरी साइड से किया, तो देखिए दोनों लाइंस एक लाइंस के दूसरी लाइंस के पैरेलल नहीं है। इट मीन्स हमारा जो ट्राई स्क्वायर है वो ट्रू नहीं है। इसके लिए हमें इसको दोबारा से ठीक करवाना होगा, चेक करना होगा। अगर हम इसे 90 डिग्री मेजर करेंगे तो हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप माइक्रो जो हमारा ट्राई स्क्वायर है इसको कैलिब्रेट करना कैसे कर सकते हो, आपको कैसे चेक कर सकते हो कि हमारा ट्राई स्क्वायर ट्रू है या फिर रॉन्ग है। तो इस तरह से आप ट्राई स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं, उसके इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। ये सभी कुछ है आज अपनी इस वीडियो में ट्राई स्क्वायर के बारे में। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।